हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है जो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर में हम नाइटी बनाने वाले हैं। इसका अर्ज भी 1.5 मीटर है, इसलिए हमारा नाइटी इसमें आसानी से बन जाएगा, फुल लेंथ में बनेगा ये। तो देखिए, इसको हमने फोल्ड किया है हाफ फोल्ड, और यहाँ से हम लंबाई लेंगे 35 इंच। 5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और 1.5 इंच और मार्जिन रख लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए और 1/2 इंच सिलाई करने के लिए। और यहाँ से हम एक मार्क ले लेंगे 15 इंच पे। देखिए यहाँ पे हमने 15 इंच पे एक मार्क कर लिया है। ऐसे ही हम ये 15 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे, अलग कर लेंगे इसको। और जो ये बच गया कपड़ा, ये हमारा घेरा बनेगा, तो यहाँ से हम इसे दो पार्ट कर देंगे। देखिए ये दो पार्ट हो गया, और इस वाले कपड़े को फोर फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और इधर ये बंद साइड है, तो इस साइड से हम नाप लेंगे। शोल्डर के लिए 9 इंच, इसलिए कि यहाँ पे हमें शोल्डर और स्लीव्स एक ही में बना रहे हैं इसलिए। और डाउन भी 9 इंच पे मार्क करेंगे। नेक का यहाँ पे मार्क कर लेंगे 3 इंच पे, और लेंथ यहाँ पे 7 इंच, और यहाँ से भी हम 3.5 पे एक मार्क कर लेंगे। और इसे एक बॉक्स बना देंगे और इसे गले का शेप दे देंगे राउंड में। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से चेस्ट के लिए हम लेंगे 10.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। देखिए ये मार्क हो गया। अब इसे हम बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे, गुलाई दे देंगे। ये देखिए इसको अब कट कर देते हैं। तो देखिए ये गला कटिंग हो गई इसकी, और यहाँ से भी अब कट कर लेते हैं। बहुत ही इजी से बनने वाला नाइटी है, और आप इसे आप घर पे खुद बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कट कर देंगे आर्म होल। ये हमारा कमर है, ये स्लीव्स हो जाएगा, और ये नेक हो जाएगा। ऊपर कट है तो ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और जो ये ब्लैक कलर के इसमें पाइपिंग लगाएंगे नेक में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी कटिंग कर ली है ब्लैक कलर की। इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे करके यहाँ पे गले पे इसको ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए ये वाली सिलाई इधर अंदर की साइड में हम इसमें दबा देंगे, और देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और ये अच्छे से सेट हो गया है। इसी तरीके से दूसरा नेक भी हमने बना लिया है, और अब इसको हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे इसका। देखिए एक मैंने सीधा रखा है, और दूसरा वाला पार्ट को ऐसे उसके ऊपर इस तरीके से सीधे के सीधे में फेस करते हुए ऐसे रखा है, और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। देखिए ये शोल्डर वाला जोड़ है, और यहाँ से हम अब स्लीव्स के लिए जो यहाँ पे खुला है उसमें ऐसे फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों साइड लगा लेंगे,
तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है, ये देखिए देखिए दोनों बाजू मैंने बना दी है। तो चलिए अब ये हम ये घेरा लिए हैं, ये लंबाई है, तो ये जो बॉटम ये साइड का है और ये जो बॉटम है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे और फिर एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम पूरा ऐसे घेरे में सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। तो ये तो बॉटम है, देखिए अब इसी का हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे। ये देखिए ये बॉटम है, तो ऐसे हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली है, कच्ची सिलाई लगाई है और बिना कपड़े को फोल्ड किए बस कपड़े के ऊपर एक सिलाई लगाई है। देखिए पूरे में मैंने एक सिलाई लगा ली है और इससे हम छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे चुन्नट। तो देखिए यहाँ पे हमारा धागा अभी एक साथ है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए दोनों अलग अलग हो गया और एक को हम पकड़ेंगे और धीरे धीरे इसको ऐसे खींचेंगे। तो ये जो है हमारा गैदर्स डल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें इस साइड का भी बराबर कर लेना है और इसको हमें देखिए इधर भी कर लेंगे और इसको हमें ये जो हमारा ये टॉप का जो ये कमर है इसके बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉप के बराबर कर लिया है। ये देखिए ये कमर है, इसको हम सीधा ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए नीचे वाला फैब्रिक भी हमारा सीधा है, ऊपर फेस कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसे रखेंगे देखिए और इसे बराबर ऐसे मिला के इसे पिन लगा लेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से हमें ये दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा अटैच हो गया और ऐसे ही मैंने दूसरा भी कर लिया है। तो देखिए इसको अब हम बराबर रखेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये जो जोड़ है कमर का वो भी हम बिल्कुल एक पास ही रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम पूरा नीचे तक ऐसे सिलाई लगाएंगे, बराबर कर लेंगे अपने कपड़े को और सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा नाइटी बनके रेडी हो गया है। तो देखिए कितना इजीली बनके ये रेडी हो गया है, इसे आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। ये देखिए और कितना प्यारा लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।